अभी हम कांग्रेस भवन में हैं, मुख्यालय में हैं रायपुर में। आप देख सकते हैं चारों तरफ शांति है। यहीं बाकी दिनों में गाड़ियां रहती सत्ता है, उसके बाद भी आज पंजाब और पूरे पांच राज्यों में जो हार है उसका असर सीधे सीधे आप देख सकते हैं। पूरी गाड़ियां खाली हैं, एक आधी गाड़ी यहां पे खड़ी है। और आप और आइए दिखाता हूं, आज यहां कांग्रेस में भवन में हरदम काफ़ी जोश रहता है। आप देख सकते हैं पूरा आज मायूसी से भरा हुआ है कांग्रेस भवन। और इधर भी, इधर दिखाइए, इधर भी गाड़ियां नहीं हैं और आज काफ़ी दुखी है कांग्रेस। यहां गाड़ियों भरी रहती है, पार्किंग है, यहां पार्किंग है और गाड़ियां पूरी यहां भरी रहती है। ये बाहर की पार्किंग है, ये लेफ्ट साइड की भी पार्किंग देख सकते हैं कि जो राइट साइड की जो पार्किंग दिख रही है उसके वहाँ भी काफ़ी लोग मायूस हैं। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो परिणाम आए हैं पांच राज्यों के वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है कांग्रेस की दृष्टि से। और कांग्रेस को हरदम इस पे विचार करना पड़ेगा कि इतना 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 सारा माहौल और छत्तीसगढ़ पैटर्न और सबके बाद भी कि क्यों हुआ, इस पे मंथन करना पड़ेगा कि क्या कमी थी जिसके कारण ये पांच राज्यों में हार हुई। क्योंकि इसके बाद अब छत्तीसगढ़ का भी चुनाव है, अब कांग्रेस को छत्तीसगढ़ भी देखना है और आने वाले पांच राज्यों के चुनाव और हैं, तो ये देखना पड़ेगा कांग्रेस को कि क्यों हार हुई है। उसका कांग्रेस को अपनी हार का अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी कमियों को निकाल पर उस पर काम करना पड़ेगा। चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए। जनादेश का सम्मान है, जनता ने कांग्रेस पार्टी को खारिज नहीं किया, जनता ने कांग्रेस को प्रतिपक्ष में रहने का आदेश दिया है। जनादेश का सम्मान है और एक सजग और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी इन पांचों राज्यों में निभाएगी। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक रूप से हम मजबूत हुए हैं, पंजाब में निश्चित तौर पर हमारी सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी थी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में हमें भरोसा था कि हम सरकार में आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई है। हम संगठनात्मक रूप से अपने आप को और मजबूत करेंगे, आने वाला कल हमारा है।